जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई बिपिन सो टीजीटी इंग्लिश ऑफ एसआरपीएस वेलकम यू टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। By this, you would be getting more regular updates about your syllabus, about your class, about your chapters. So now, coming to the class. So my dear students, today I am here with class 6th poem, A House and a Home. First of all, in our life, many times a scenario appears when most of the person asks to us, what is the main difference between a house and a home? So what do we tell? Casually, we used to tell them that a house is a rental building in which someone lives and a home is a place which belongs to him or her. So let me explain you the correct definition of a house and a home. So what is a house? I will show you the house. Here, the building which is appearing, it is a house. So what is a house? The main difference between them is that a house is a concrete. House refers to a building in which someone lives. So my dear students, aise building jo ki mitti se, lakdi se, सीमेंट से, कंक्रीट से बना हो और जिसके अंदर कोई रहता हो, सो दैट इज नोन एज अ हाउस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश की है कि ये एक हाउस है, इसमें कोई रहता है। नाउ कमिंग टू द होम, इन कॉन्ट्रेस्ट अ होम कैन रिफर आइदर टू अ बिल्डिंग और टू एनी लोकेशन दैट अ पर्सन थिंक ऑफ एज अ प्लेस वेयर ही और सी lives and that belongs to her. So my dear student, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक घर होगा, ये भी एक घर है, इसके आगे कई लोगों की भीड़ भी लगी हुई देख रहे होंगे आप। जैसे कि ये सपोज कर लीजिए मम्मी पापा, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, सिस्टर, यू और योर ब्रदर, यू और योर सिस्टर। सो होम क्या होता है? होम ऐसा बिल्डिंग, वो भी कंक्रीट का ही बना होता है, लेकिन एक ऐसा बिल्डिंग जिसमें मदर हो, फादर हो, अंकल हो, आंट हो, ग्रैंड फादर हो, ग्रैंड मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें पूरी फैमिली ले रहती हो, जो कि आपसे बिलोंग करती हो, विच इज बिलोंगिंग टू यू। अ बिल्डिंग विच बिलोंग्स टू यू, विच इज योर्स, दैट इज नोन एज अ होम। एंड अ हाउस, वो एक बिल्डिंग होती है जिसमें कोई रहता है, आइदर रेंटल बिल्डिंग हो सकती है, जो बिल्डिंग आपकी नहीं हो, उसमें और आपके फैमिली के लोग ना रहते हों, आप अकेले रहते हों, या आप कहीं अकेले कहीं बाहर जाते हो सपोज करो, तो वहाँ पर आप लोग अकेले जब बिल्डिंग में रहते हो तो डैट इज नोन एज अ हाउस बिकॉज इट इज़ नॉट योर्स, बट अ होम इज योर्स बिकॉज इन डैट अ फैमिली, योर फैमिली रिसाइड। तो जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है, जहाँ पे आपकी पूरी फैमिली हो, वो आपके लिए होम है। और जहाँ पर आपकी फैमिली नहीं रहती है, और जहाँ पे आप अकेले रहते हो, या आपके फादर अकेले रहते हैं, आपके ब्रदर अकेले रहते हैं, तो वो एक हाउस है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। सो वंस अगेन आई वुड बी रिकॉलिंग द डेफिनेशन ऑफ अ हाउस एंड अ होम। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? सो लेट अस अज्यूम, लेट अस come to the point. The main difference between them is that a house is concrete. House refers to a building in which someone lives. यानी कि एक हाउस जो है वो बिल्डिंग है, वो कंक्रीट का बना हुआ है और उसमें कोई रहता है। एंड अ होम इन कॉन्ट्रेस्ट टू अ होम कैन रिफर आइदर टू अ बिल्डिंग और टू एनी लोकेशन, कोई भी लोकेशन, चाहे कोई बिल्डिंग हो या कोई भी लोकेशन हो। ऐसा नहीं कि किसी की बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी तो उसी को होम कहते हैं, एक छोटा सा भी झोपड़ी भी होगा तो वो भी उसके लिए होम हो सकता है, कोई भी लोकेशन हो, जिसको दैट अ पर्सन थिंक एज अ प्लेस वेयर ही और शी लिव्स, जिसको लोग आदमी सोचता हो, इंसान सोचे कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये मेरी जगह है, तो डैट बिलोंग्स टू हर और हिम, तो डैट इज नोन एज अ होम।
So I hope all of you would be understanding the main difference between a house and a home. So my dear student, so ये जो poem है, इस poem को composed किया है Lauren M. Helly ने. I tried to find out his pictures, but I was unable to find him out. So I cannot stuck the picture here. So you must be knowing the Lauren M. Helly. So Lauren M. Helly is the composer of this poem, A House and a Home. And in this poem, poet have tried to tell you the difference between a house and a home, which I had told you earlier. तो पहले मैंने आपको क्या बता दिया कि एक house जो होता है concrete की बनी हुई building होती है जिसमें कोई रहता है, और एक home होता है वो भी concrete की बनी हुई building हो या कोई location हो जहाँ पर आदमी सोचता हो, इंसान सोचता हो कि ये मेरी जगह है, here I live to stay, यहाँ पे मेरी family रहती है, मेरे mother रहते हैं, मेरे father रहते हैं, तो that is known as a home. My dear student, many of you from school से कई लोग जब लौटते होंगे छुट्टी होने के बाद, तो you would be returning to your home, not to the house. क्योंकि home पे आप लोग जाते हो, वहाँ पे आपके mother father मिलते हैं, आपके brother मिलते हैं, तो that is known as a home. लेकिन अगर वो building rented है, वो आपको belong नहीं करती है, आप अकेले रहते हो, तो वो house हो जाता है. So my dear student, without any delay, now coming to the poem, and you must be eager to know the poem. You would be thinking to know the poem. You would be waiting for the poem. So without any delay, I am coming to the poem. So my dear student, here I am with the poem. So a house, a home. Heading of the poem is a house, a home. The house तो मैंने बता दिया आप लोगों को. House is a building which is made up of concrete in which someone lives. A home is also a building or a location in which family resides of your, in which you think that it is your location where you live, it belongs to you. So my dear student, सबसे पहला जो आप लोगों का काम है वो आप लोगों को ये फाइंड करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. सो इट्स योर ड्यूटी एंड इट्स योर इट बिकम्स योर ड्यूटी, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन अबाउट वन पेज अबाउट द हाउस एंड अ होम. यू कैन डिस्कस इट विथ योर पार्टनर, मे बी योर पार्टनर वुड नॉट बी विथ यू, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर, लाइक योर मदर, लाइक योर फादर, एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर. सो आप लोगों को करना क्या है, एक हाउस के और एक होम के बीच का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, इसको डिस्कस भी करना है, और अब हम लोग पोयम को पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अ पोयम. व्हाट इज अ हाउस, यहां कंपोजर कह रहा है व्हाट इज अ हाउस. हाउस क्या है, व्हाट इज अ हाउस, हाउस क्या है. इट्स वीक एंड स्टोन, बता रहा हाउस को, इट्स ब्रिक एंड स्टोन, यानी कि ये जो हाउस है ये एक बिल्डिंग है जो कि ब्रिक से और स्टोन से बनी हुई है, यानी कि ईंटों से और पत्थरों से बनी हुई है. हाउस क्या है, अ हाउस इज अ बिल्डिंग विच हैज बीन मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, और कुछ लकड़ियाँ भी लगी हुई हैं उस हाउस के अंदर, कुछ लकड़ियाँ भी लगी हुई हैं जो कि बहुत ही हार्ड हैं, विच इज़ वेरी मच हार्ड. सो व्हाट इज़ अ हाउस, अ हाउस इज अ बिल्डिंग विच इज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज हार्ड. ओ अ हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक स्टोन एंड हार्ड वुड्स. तो यहाँ पे कंपोजर के व्यू से, हाउस कंपोजर के व्यू से क्या है, हाउस एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि ब्रिक से बनी हुई है, जो कि स्टोन से बनी हुई है, जो कि कठोर हार्ड लकड़ियों से बनी हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है हाउस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थ्री लाइंस. सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड. सो हियर माय डियर स्टूडेंट, परहैप्स को मैंने रेड कलर में किया हुआ है, तो इसकी मीनिंग मैं बता दूं, परहैप्स का मतलब होता है संभवता, संभवता, माना जाए, लेट अज्यूम अस, तो मान लिया जाए, सम विंडो ग्लास, हो सकता है उस हाउस में कुछ विंडो की ग्लास हो, उस हाउस में क्या हो, कुछ विंडो की ग्लास हो, हर एक हाउस में कुछ ग्लासेस से बने हुए विंडो लगे रहते हैं, तो मे बी देयर वुड बी सम विंडोज विच आर मेड अप ऑफ ग्लास, एंड मे बी देयर वुड बी अ यार्ड. तो यार्ड का मतलब क्या हो सकता है, सो हियर कंपोजर टेल्स दैट इन दैट हाउस
there are some windows which are made up of glass. उस घर में कुछ खिड़कियाँ बनी होती हैं जो कि ग्लास से बनी हुई हैं, और हो सकता है perhaps वहाँ पर एक आंगन हो, एक ओपन कोर्ट एरिया हो, एक ओपन प्लेस हो, जैसे कि हर घरों में आंगन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यार्ड कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फोर लाइंस, इट्स ईव्स एंड चिमनीज। तो हियर ईव्स का मतलब होता है अ शार्प एज ऑफ अ टेरेस विच इज पॉइंटेड डाउनवर्ड्स, एक झुकी हुई दीवार के तरफ से, मतलब कि जो रूफ होता है उसके तरफ से जो जमीन की तरफ या दीवार की तरफ से जो झुकी हुई आर्क होती है, कई घरों के सामने अच्छे अच्छे छत के ऊपर एक अच्छे अच्छे डिजाइंस बनाए जाते हैं, तो वो जो आर्क होते हैं झुके हुए जो दीवारों पर होते हैं, उनको हम लोग छज्जे जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ईव्स कहते हैं। तो उस घर में क्या होगा, इट्स ईव्स एंड चिमनी, देयर वुड बी ईव्स यानी कि वो झुके हुए आर्क्स होंगे, और चिमनीज तो आप लोग जानते होंगे कि घर से जो स्मोक निकलने वाला रहता है, स्मोक निकालने के लिए एक चिमनी बनाई जाती है, जो घर में जो स्मोक होते हैं, धुएं होते हैं, उनको ऊपर की तरफ निकालने के लिए, स्काई की तरफ भेजने के लिए, तो चिमनी एक घर में होती है, हाउस में होती है, तो डैट में भी देयर वुड बी ईव्स एंड देयर वुड बी चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स भी हो सकते हैं, जो वहाँ के फ्लोर्स हैं वो टाइल के बने हो सकते हैं। एंड स्टुको का मतलब होता है अ फाइन प्लास्टर ऑन द वॉल, जो दीवारों पर प्लास्टर की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टुको। सो जो स्टुको का मतलब एक फाइन प्लास्टर हो, उस घर में एक फाइन प्लास्टर होगा तुमको दिखेगा, एंड रूफ, और हो सकता है छत भी हो, डेफिनेटली देयर वुड बी द रूफ, एंड लॉट्स ऑफ डोर, और कई सारे दरवाजे होंगे। सो माई डियर स्टूडेंट, पोएट के व्यू में जो हाउस है, अ हाउस इज अ बिल्डिंग विच इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड ए स्टोन एंड हार्ड वुड्स। इन द हाउस देयर आर विंडो विच आर मेड अप ऑफ ग्लास, एंड मे बी देयर वुड बी द यार्ड और ओपन कोर्ट एरिया, देयर वुड बी अ डिजाइनफुल आर्क्स एंड अ चिमनी, and the floors would be made up of tiles, the walls of the house would be plastered with finely plastered, and there would be the roof, there would be lots of doors also you can find in the house. Now coming to the next, now poet want to tell us about the home. So what is a home? होम क्या है, घर क्या है, व्हाट इज अ होम, लेट अस कम टू नो व्हाट इज अ होम, घर क्या है। सो अब मैंने बता दिया था घर के बारे में पहले ही, कि जो घर होता है वो घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारी फैमिली, हमारे बिलोंगिंग्स, जिस लोकेशन को हम सोचते हैं कि ये हमारा है, हम यहाँ पर रहते हैं, तो डैट इज नोन एज अ होम। सो व्हाट इज अ होम, होम क्या है, इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। होम क्या है, होम एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग एक दूसरे से प्यार करते हुए मिलते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हुए मिलते हैं, दे आर लविंग ईच अदर, दे आर अफेक्शनेट विथ ईच अदर, लाइक इन योर होम योर फादर वुड बी लविंग टू यू, योर मदर वुड बी लविंग टू यू, इन द मॉर्निंग यू वुड बी गेटिंग ब्रेकफास्ट, इन द आफ्टरनून यू वुड बी गेटिंग लंच, एंड वट एवर योर ऑर्डर्स वुड बी देयर, दे वुड बी फुलफिलिंग योर ऑर्डर्स, एंड वाई दे आर फुलफिलिंग योर ऑर्डर्स, बिकॉज ऑफ द लव ओनली। सो ये जो लविंग नेचर होता है ये एक होम में ही दिखाई पड़ता है, एंड फैमिली, और हमको वहां पर क्या मिल सकती है, फैमिली मिल सकती है, जो फैमिली, ऐसी फैमिली मिलेगी जो आपस में एक दूसरे से बहुत ही अफेक्शनेट हो, बहुत ही लव करती हो, एक दूसरे को बहुत पसंद करती हो, बहुत एक दूसरे के इच्छाओं का कद्र करती हो, तो डैट इज नोन एज अ होम। होम में आप ये चीज पाओगे, एंड डूइंग फॉर अदर्स, और हमेशा एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एट योर होम ऑल्सो, इफ योर फादर वुड बी ऑर्डरिंग यू समथिंग टू डू, यू वुड बी डूइंग फॉर हिम, योर मदर इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर यू, सो सी इज डूइंग द वर्क फॉर अदर्स ऑल्सो। सो इट मीन्स होम में क्या होता है, होम में एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, एक दूसरे के लिए लोग काम करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, और ये चीज़ें हमको हाउस में नहीं मिलती। हाउस हमको एक बिल्डिंग मिलती है जो कि ईंटों से, पत्थरों से, लकड़ियों से, ग्लास से, टाइल्स से ऐसे बनी होती है, बट होम में
प्रेम मिलता है, अच्छे नेचर्स मिलते हैं, फैमिली मिलते हैं, लाइक ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, है ना, एंड डूइंग फॉर अदर्स, और एक दूसरे के लिए काम करते हुए भी मिलेंगे. इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर्स एंड मदर्स. कौन होंगे वहां पर? वहां पर फैमिली के अंदर कौन कौन होंगे? इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. ब्रदर्स होंगे, सिस्टर्स होंगे, फादर्स होंगे और मदर्स होंगे. तो मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की ज़रूरत है. ब्रदर का मतलब भाई, सिस्टर्स का मतलब बहन, फादर का मतलब पिताजी और मदर्स का मतलब माँ. तो घर में हमको ब्रदर मिलेंगे, सिस्टर मिलेंगे, फादर मिलेंगे, मदर मिलेंगे. इट्स अनसेल्फिश एक्ट. तो अनसेल्फिश एक्ट का मतलब जो भी हम डिड करते हैं, जो भी हम काम किया करते हैं घरों के अंदर, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता. हम बिना स्वार्थ के करते हैं, विदाउट सेल्फिशनेस. तो हम लोग सेल्फिश होकर के नहीं, अनसेल्फिश होकर के काम करते हैं. व्हाट एवर द डीड्स, व्हाट एवर द वर्क वी आर परफॉर्मिंग इनसाइड आवर होम, इट इज अनसेल्फिश, इट इज अनसेल्फिश एक्ट्स. सो हम लोग जो भी काम करते हैं वहां पर, वो किसी भी बिना स्वार्थ के होता है. एंड काइंडली शेयरिंग, और बड़े ही प्यार से, बड़े ही विनम्रता के साथ एक दूसरे के साथ बांटते हैं. किस चीज़ को बांटते हैं? शेयरिंग का मतलब होता है बांटना. काइंडली, बड़े प्यार से हम लोग एक दूसरे को बांटते हैं. एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और तुम जिनको सबसे ज़्यादा चाहते हो उनको ये दिखाते हो कि तुम उनकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो. जैसे कि सपोज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर मदर इज केयरिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट यू ऑलवेज. आपकी माँ, आपके पिताजी आपका ख्याल हमेशा आपके घर में रखते होंगे. सो इज इंट इट दे आर डूइंग ना. सो इट दिस थिंग वी गेट इन द होम. अगर यही चीज़ आप स्कूल के हॉस्टल में रहते या फिर किसी बिल्डिंग में रहते, अकेले रहते, तो ये सब जो हमको लव मिल रहा है, अफेक्शन मिल रहा है मदर फादर के, हम लोग जो मदर फादर हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा केयर करते हैं, दिस ऑल थिंग्स वी कैन नॉट गेट इनसाइड द हाउस. दिस ऑल थिंग वी विल गेट इनसाइड द होम ओनली. सो माई डियर स्टूडेंट, सो ये पोयम किसने लिखी थी? द कंपोजर ऑफ द पोयम इज अ लॉरेन एम हैली. So my dear students, I hope all of you would have understood about a poem. So what is a poem? A poem is about a house and a home. Poet have tried to tell you the difference between a house and a home. So what is the main difference between the house and a home according to the poet? A house is a building which is made up of brick, stone and hardwoods. There are some windows which are made up of glass. Perhaps maybe there would be a yard or open court. Its eaves and chimneys, it would be having a beautiful decorated arc. It would be having a chimney. It would be having a floors made up of tiles. Maybe its wall would be plastered, and it would be having roof, and there would be lot of doors inside the house. But inside the home, what we get? Inside the home, we get family, we get love, we get care, we get unselfish acts, we get brothers, sister, fathers, mothers, and a care. So it is a difference between a house and a home. My dear student, अब हम लोगों को ये लगाना है, हमको ये करना है पता कि what we have to do. So notes to be prepared about this chapter is a summary, word meaning, question and answer about the composer. And my dear student, once again I would like to tell you, question and answer would be given by your subject teacher. So मैं आप लोगों के साथ next lecture में question and answer summary जरूर share करूँगा. Till the time you have to do your homework, and your homework is to learn and write this poem, find out the difference between a home and a house. So my dear student, by this my lecture ends. Thank you and have a nice day ahead.